नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर दिन बुधवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला। चाय विकास योजना के तहत मिलते हैं इतने अनुदान। बीपीएससी एक और भर्ती निकालने के लिए तैयार। छठ में घर आने के लिए 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन। आधार कार्ड में बेहद ही आसान तरीके से लगवाएं नई तस्वीर। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इसरो में निकली 18 पदों पर भर्ती। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा कुल 18 पदों पर भर्ती निकाली गई है। ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह आधिकारिक साइट bssc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान या बोर्ड से SSLC या SSC या मैट्रिक या 10वीं क्लास पास होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक के पास वैध लाइसेंस होना अनिवार्य है। उम्मीदवार के पास 3 साल का गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है। इसी तरह अधिक जानकारी के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। चाय विकास योजना के तहत मिलते हैं इतने अनुदान। बिहार सरकार के कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय के द्वारा चाय विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 में सहायता अनुदान दिए जाते हैं, जिसके तहत चाय का नया क्षेत्र विस्तार करने के लिए 4.94 लाख रुपए की इकाई लागत पर 50% सहायता अनुदान दिए जाते हैं। वहीं इसके अलावा प्रूनिंग मशीन के लिए 1.2 लाख की इकाई लागत पर 50%, मैकेनिकल हार्वेस्टर के 1 लाख रुपए की इकाई लागत पर 50%, लीफ कलेक्शन शेड हेतु वास्तविक मूल्य का 5% या अधिकतम 37,000 रुपए, प्लंकिंग शेयर हेतु वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 11,000 रुपए, लीफ कैरेज व्हीकल हेतु वास्तविक मूल्य का 50% या अधिकतम 7,50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इसके अलावा पावर स्प्रेयर मशीन एवं ब्रश कटर मशीन को इच्छुक किसान अपने आवश्यकता के अनुसार कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत OFMAS पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं और प्लास्टिक क्रेट्स एवं नायलॉन बैग के लिए उद्यान निदेशालय के वेबसाइट पर आवेदन कर प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि चाय विकास योजना का लाभ लेने के लिए विभागीय साइट https://horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। वहीं से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिला के सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे ज्योति प्रकाश निराला के बारे में। ज्योति प्रकाश निराला का जन्म आज ही के दिन 1986 में हुआ था। यह गरुड़ कमांडो फोर्स के सदस्य थे। उन्हें जनवरी 2018 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। वह जमीनी लड़ाई के लिए पुरस्कार पाने वाले पहले एयरमैन हैं और सुहास विश्वास और राकेश शर्मा के बाद इसे प्राप्त करने वाले केवल तीसरे हैं। निराला 2005 में भारतीय वायुसेना के गरुड़ कमांडो फोर्स में शामिल हुए। उनकी यूनिट को 13 राष्ट्रीय राइफल्स में प्रतिनियुक्त किया गया और ऑपरेशन रक्षक के तहत जम्मू और कश्मीर में तैनात किया गया। उन्हें सेवा और आतंकवादियों से लड़ने में बहादुरी दिखाने के लिए 26 जनवरी 2018 को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। उन्हें लश्कर-ए-तैयबा के स्थानीय नेतृत्व को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान मारे गए आतंकवादियों में से एक लश्कर-ए-तैयबा कमांडर जकी उर रहमान लखवी का भतीजा था, जो 2008 के मुंबई हमलों का एक प्रमुख योजनाकार था। बीपीएससी एक और भर्ती निकालने के लिए तैयार। बिहार के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 11,334 पद खाली हैं। ऐसे में इन पर जल्द ही इन पदों पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी के माध्यम से की जाएगी। बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना भेजने की तैयारी की जा रही है। अधियाचना भेजने संबंधी प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा। इससे संबंधित प्रस्ताव को विभागीय स्तर पर सहमति दी गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रधानाध्यापकों की कुल रिक्तियों में 6,000 पद पुराने हैं। वहीं 11,334 पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी। इसमें विशेष बात यह है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक संवर्ग का गठन भी होगा। मालूम हो कि राज्य में 29,000 मध्य विद्यालय ऐसे हैं जहां प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं और इन्हें चिन्हित किया जा रहा है। बिहार में इस देश से आते हैं सबसे ज्यादा पर्यटक। बिहार में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो, इसको लेकर बिहार सरकार के पर्यटन विभाग के द्वारा कई कोशिशें की जा रही हैं। विभाग की ओर से देश विदेश के पर्यटकों को लुभाने के लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाई जा रही। वहीं बता दें कि पर्यटन विभाग के द्वारा किए गए सर्वे से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि सबसे ज्यादा पर्यटक बिहार में जापान से आते हैं। ऐसे में इनकी संख्या में और भी बढ़ोतरी हो, इसको लेकर विभाग भी इस क्षेत्र में लगा हुआ है। मालूम हो कि कोरोना के बाद पिछले 2 सालों में बिहार में विदेशी पर्यटकों की संख्या का आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगस्त 2023 तक बिहार आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 2.32 लाख है। वहीं पर्यटन विभाग के अनुसार वर्ष 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या महज 1046 और वर्ष 2022 में विदेशी पर्यटकों की संख्या 86,829 हो गई है। आज होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप 2023 का सेमीफाइनल मुकाबला। आज यानी कि 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व कप 2023 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला दोपहर 2 बजे से खेला जाने वाला है। बता दें कि यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। मालूम हो कि भारतीय टीम की ओर से अब तक अपने सभी मैच जीते गए हैं। वहीं न्यूजीलैंड लगातार 4 मैच हारने के बाद श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल तक पहुंची है। अब तक भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे वर्ल्ड कप में कुल 10 मैच खेले गए हैं, जिसमें से 5 मैचों में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है, तो वहीं 4 मैचों में भारतीय टीम ने और 1 मैच बेनतीजा रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत ने कभी भी न्यूजीलैंड को आईसीसी इवेंट के नॉकआउट स्टेज में नहीं हराया है। न्यूजीलैंड भारत को साल 2019 विश्व कप सेमीफाइनल, 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, 2000 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में हरा चुका है। लेकिन भारत के द्वारा विश्व कप 2023 ग्रुप स्टेज में न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से हराया गया था। आज का यह मैच बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। मालूम हो कि विश्व कप 2023 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला कल यानी कि 16 नवंबर को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा। डेंगू से खुद को बचाने के लिए अपनाएं ये तरीका। बिहार में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इसी कड़ी में अब आईपीआरडी के द्वारा भी एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी गई है कि किस तरह से खुद को डेंगू से बचाया जा सकता है। बता दें कि शेयर किए गए पोस्ट के अनुसार साफ पानी में डेंगू पनपता है। वहीं इसके अलावा डेंगू का मच्छर दिन में ही काटता है। ऐसे में से बचाव के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिसके तहत घर के अंदर पानी जमा न होने दें, बदन को ढककर रखें, फॉगिंग करें और मच्छरदानी का प्रयोग करें। बच्चों को बाहर भेजने से पहले मच्छर भगाने की क्रीम लगाएं, खिड़की दरवाजों में मच्छर जाली लगवाएं और घर के आसपास पानी जमा न होने दें। बता दें कि इससे जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 104 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में आंगनवाड़ी से जुड़ी लड़कियों को मिलेगा स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग। बिहार सरकार की ओर से राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी के तहत बिहार सरकार की ओर से आंगनवाड़ी से जुड़ी 14 से 18 साल की लड़कियों को भी जनवरी से खेल कूद एवं स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वह सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से फिट रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले चरण के तहत राज्य के जिन जिलों से आंगनवाड़ी से जुड़ी 14 से 18 साल की लड़कियों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनमें अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, नवादा, कटिहार, खगड़िया, पूर्णिया और शेखपुरा शामिल है। इस योजना के तहत लाभ नियमित रूप से लड़कियों को दिलाने के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा राज्य के सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि यह ट्रेनिंग लड़कियों को बालिका योजना के तहत श्रम संसाधन और कला संस्कृति विभाग के सहयोग से दिया जाएगा। वहीं इसके अलावा सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से राज्य भर के ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिकों के 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पालन घर खोलने का भी निर्णय लिया गया है, जहां उन बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग की व्यवस्था की जाएगी। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना से पाए 80% अनुदान। बिहार सरकार की ओर से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी योजना में से एक बिहार निजी नलकूप योजना है, जिसके तहत किसान अपनी निजी जमीन पर 70 मीटर गहराई तक नलकूप स्थापित कर सकता है। ऐसे में इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्रता भी निर्धारित की गई है, जिसके तहत आवेदक बिहार का स्थायी निवासी होना चाहिए। किसान के पास कम से कम 40 डिसिमल भूमि होनी चाहिए। एक किसान का एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। बता दें कि इस योजना के तहत बोरिंग करने के लिए किसानों को 80% तक सरकार के द्वारा सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज है, जिनमें आधार कार्ड, बैंक अकाउंट का पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कृषि योग्य भूमि के कागजात, भूधरकता प्रमाण पत्र, प्लांट पर पहले से कोई बोर्डिंग उपलब्ध नहीं है, इसका प्रमाण पत्र किसी अन्य संस्था से संबंधित नलकूपों के लिए वित्तीय सहायता नहीं लेने की घोषणा पत्र। इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए https://minorigatiton.bihar.gov.in/bsnny/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहार पर्यटन में आज हम बात करेंगे बौद्ध स्तूप पश्चिमी चंपारण के बारे में। बौद्ध स्तूप पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह स्तूप पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया नंदनगढ़ नगर में स्थित है। यह स्तूप खंडित अवस्था में यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा टीला देखने के लिए मिलता है, जिसका उत्खनन किया गया। उत्खनन के बाद यहाँ पर किले के अवशेष एवं बहुत सारे मिट्टी के बने हुए स्तूप देखने के लिए मिले हैं। यहाँ पर नंदन वन राजा का किला हुआ करता था। यहाँ पर एक बहुत बड़ा किला है, जो अब धरती में समा गया है। यहाँ पर आपको एक विशाल टीला देखने के लिए मिलता है, जिस पर आप चढ़कर पूरे लौरिया नंदन वन का दृश्य देख सकते हैं।
स्तूप की खोज कर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1862 में की थी। यहाँ पर आपको किले एवं स्तूप के भग्नावशेष देखने के लिए मिलते हैं। यह जगह बहुत ही अच्छी तरह से संरक्षित करके रखी गई है। यहाँ पर सुंदर गार्डन बना हुआ है जहाँ पर आप घूम सकते हैं और स्तूप के भग्नावशेष को देख सकते हैं। यह पश्चिमी चंपारण में घूमने लायक एक मुख्य जगह है। आप यहाँ पर आकर इस जगह की सुंदरता को देख सकते हैं। जस्टिस विवेक चौधरी बने पटना हाई कोर्ट के जज। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा पर भारत सरकार के कानून व न्याय मंत्रालय के द्वारा कलकत्ता हाई कोर्ट के जज जस्टिस विवेक चौधरी का स्थानांतरण पटना हाई कोर्ट में कर दिया गया है। ऐसे में वे शीघ्र ही पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में अपना योगदान देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि तेलंगाना और गुवाहाटी हाई कोर्ट से स्थानांतरित होकर पटना हाई कोर्ट आई न्यायमूर्ति गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति नानी टागिया के द्वारा हाल ही में पटना हाई कोर्ट में जज के रूप में योगदान दिया गया था। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के द्वारा अगस्त में गुवाहाटी हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति नानी तागिया और तेलंगाना हाई कोर्ट की जज न्यायमूर्ति गुन्नू अनुपमा चक्रवर्ती का स्थानांतरण पटना हाई कोर्ट में करने की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई थी, जिसके बाद केंद्र की ओर से दोनों जजों के तबादले की अधिसूचना जारी की गई थी। आधार कार्ड में बेहद ही आसान तरीके से लगवाएं नई तस्वीर। अगर आप अपने आधार कार्ड में अपनी तस्वीर को बदलवाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि UIDAI के नियम के अनुसार भी 15 वर्ष की आयु पार करने वाले व्यक्ति को अपने आधार कार्ड में अपनी तस्वीर को अपडेट कराना जरूरी है। ऐसे में अगर आप भी अपनी फोटो को ऑनलाइन अपडेट कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए आप सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट UIDAI.gov.in पर जाएं और फिर आधार एनरोलमेंट फॉर्म को डाउनलोड करें। इस फॉर्म में अपनी जरूरी डिटेल्स भरें और फिर अपने नजदीक के आधार सेवा केंद्र या आधार एनरोलमेंट सेंटर में जाकर इस फॉर्म को सबमिट कर दे। इसके बाद आप सेंटर पर मौजूद आधार एग्जीक्यूटिव बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए सभी डिटेल्स को कंफर्म करें और इसके लिए ₹100 की फीस GST के साथ जमा करेंगे। इसके बाद आपको अपडेट रिक्वेस्ट नंबर के साथ एक एनरोलमेंट स्लिप आपको दी जाएगी, जिसकी मदद से आप अपने स्टेटस अपडेट पर अपनी नजर बनाए रख सकते हैं। बिहार को 2028 ओलंपिक से पहले मिलेगी स्पोर्ट्स सिटी की सौगात। बहुत जल्दी बिहार को स्पोर्ट्स सिटी की सौगात मिलने वाली है। बता दें कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन संकरण के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस स्पोर्ट्स सिटी का निर्माण मोइन उल हक स्टेडियम में किया जाएगा और कैंपस में ही 5-स्टार होटल का भी निर्माण किया जाएगा, जिसके कमरों की खिड़कियां ऐसी होंगी जिससे ग्राउंड में चल रहे क्रिकेट मैचों को कमरे में बैठकर ही देखा जा सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्पोर्ट्स सिटी में इंटरनेशनल लेवल का जिम, स्पोर्ट्स लाउंज, स्पोर्ट्स लाइब्रेरी, साइकिल ट्रैक, हॉर्स राइडिंग ग्राउंड के साथ साथ मल्टीप्लेक्स आदि की भी सुविधा होगी। मालूम हो कि यह प्रोजेक्ट 2 साल का है, जिस पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की विशेष नजर है। मिली जानकारी के अनुसार इस स्पोर्ट्स सिटी को वर्ष 2028 में होने वाले ओलंपिक से पहले तैयार कर लिया जाएगा। बिहार में छठ से पहले ठंड दे सकती है दस्तक। दिवाली के बाद प्रदेश का मौसम धीरे धीरे करवट लेने लगा है। राजधानी पटना सहित राज्य के 24 शहरों में पछुआ का प्रवाह बनने से न्यूनतम तापमान में कमी आई है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवातीय परिसंचरण का क्षेत्र बना हुआ है। इसके कारण प्रदेश में कोहरे व धुंध में वृद्धि की संभावना है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार सुबह शाम लोगों को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, लेकिन दिन में सूरज गर्माहट दे रहा। कई शहरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आई है। विभाग की तरफ से यह भी बताया गया है कि सुबह के समय प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्के स्तर का कोहरा अगले 5 दिनों तक एवं गया जिले के मध्यम स्तर का कोहरा अगले 3 दिनों तक छाए रहने का अनुमान जारी किया गया है। प्रदेश में मौसम का मिजाज शुष्क बना रहने वाला है। छठ में घर आने के लिए 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेन का परिचालन। छठ के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है। इस बात की जानकारी CPRO वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। बता दें कि इनके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जिन 16 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाने वाला है उनमें गाड़ी संख्या 08449 और 08450 पूरी पटना पूरी छठ स्पेशल, गाड़ी संख्या 05978 और 05977 डिब्रूगढ़ गोरखपुर डिब्रूगढ़ फेस्टिवल स्पेशल, गाड़ी संख्या 09196 समस्तीपुर उदना छठ स्पेशल, गाड़ी संख्या 04039 दरभंगा नई दिल्ली स्पेशल, गाड़ी संख्या 01107 और 01108 CSMT दानापुर CSMT सुपरफास्ट स्पेशल, गाड़ी संख्या 01485 CSMT दानापुर वनवे स्पेशल, गाड़ी संख्या 01483 और 01482 पुणे दानापुर पुणे स्पेशल, गाड़ी संख्या 02365 और 02366 राजगीर आनंद विहार राजगीर सुपरफास्ट स्पेशल, गाड़ी संख्या
0330309 धनबाद एर्नाकुलम अनारक्षित स्पेशल गाड़ी संख्या 06059 और 06060 कोयम्बटूर बरौनी कोयम्बटूर अनारक्षित स्पेशल गाड़ी संख्या 09741 और 09742 जयपुर जोगबनी जयपुर स्पेशल गाड़ी संख्या 04640 और 04639 SVD कटरा कटिहार SVD कटरा फेस्टिवल स्पेशल गाड़ी संख्या 04650 और 04649 अमृतसर दरभंगा अमृतसर फेस्टिवल स्पेशल गाड़ी संख्या 06225 और 06226 यशवंतपुर मुजफ्फरपुर यशवंतपुर स्पेशल गाड़ी संख्या 06227 और 06228 SMVV बरौनी SMVV स्पेशल और गाड़ी संख्या 06221 और 06222 मैसूर रक्सौल मैसूर ट्रेन शामिल है। बाइक की तेल टंकी से शराब बरामद। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन शराब तस्करी से जुड़े मामले सुनने को मिलते रहते हैं। हालांकि इन पर नकेल कसने के लिए उत्पाद विभाग की ओर से कई कोशिशें की जा रही, लेकिन इसके बावजूद भी शराब तस्करों के द्वारा नए नए तरीकों से तस्करी को अंजाम दिया जा रहा। बता दें कि ताजा मामला गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेक पोस्ट का है, जहाँ उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा वहाँ जाँच के दौरान गोपालगंज से आ रही एक बाइक सवार को रोक कर बाइक की टंकी से 47 पीस विदेशी शराब की टेट्रा पैक बरामद की गई है। इसके साथ ही इस दौरान टीम की ओर से एक तस्कर की भी गिरफ्तारी की गई है, जिसकी पहचान सुजीत कुमार के रूप में की गई है। फिलहाल गिरफ्तार किए गए तस्कर को पूछताछ के बाद उसके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सीमांचल में शिक्षा स्वास्थ्य और सामाजिक बदलाव के लिए यूनिसेफ की बड़ी पहल। यूनिसेफ की ओर से बिहार के सीमांचल के आकांक्षी जिलों में शुमार पूर्णिया और अररिया में सामाजिक व्यवहार परिवर्तन को लेकर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चयन किया गया है। ऐसे में अब इन दोनों स्थानों पर शिक्षा स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण जैसे सभी मुद्दों पर व्यवहार परिवर्तन के माध्यम से सामाजिक संदेश के लिए पहल शुरू की जाएगी। मालूम हो कि इस पहल के तहत पूर्णिया में DRDA में सोशल बिहेवियर चेंज सेंटर यानी कि SBCS भी खोला गया है। मालूम हो कि यूनिसेफ की ओर से 5 प्राथमिकताओं को केंद्र बिंदु मानकर यह कार्य किया जा रहा, जिसमें बच्चों का विकास, बुनियादी लिंग के आधार पर समानता, बच्चों का हिंसा से बचाव, बाल श्रम और शोषण से रक्षा शामिल है। ऐसे में इन सभी बिंदुओं पर काम करने के लिए पूर्णिया और अररिया में सभी विभागों को एक साथ मिलजुल कर इसको अंजाम देना होगा। मालूम हो कि पूर्णिया और अररिया कई मामलों में पिछड़ा है, यही वजह है कि यूनिसेफ की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनका चयन किया गया है। सीएम नीतीश ने गंगा घाटों का किया निरीक्षण, दिए ये दिशा निर्देश। लोक आस्था महापर्व छठ में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में इस पर्व को लेकर तैयारियां काफी तेजी से पूरी की जा रही है और उन्हें अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंगा घाटों का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ बिहार सरकार के सभी आला अधिकारी मौजूद रहे, जिनके द्वारा सीएम नीतीश को तैयारियों से जुड़ी व्यवस्थाओं से अवगत कराया गया। वहीं सीएम नीतीश के द्वारा भी कई दिशा निर्देश दिए गए। सीएम नीतीश ने घाटों पर सुरक्षा, सफाई और शांति बनाए रखने से जुड़ी सभी जानकारी हासिल की। उन्होंने जहाज पर सवार होकर तमाम घाटों का निरीक्षण किया। मालूम हो कि इससे पहले भी सीएम नीतीश के द्वारा छठ घाटों का निरीक्षण किया जा चुका है। जीतन राम मांझी सीएम नीतीश के खिलाफ उठाएंगे ये कदम। बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय के निकट अंबेडकर स्मारक के पास मौन प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें अंदर जाने नहीं की अनुमति नहीं दी। ऐसे में धरना स्थगित हो गया, जिसके बाद जीतन राम मांझी के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा गेट के बाहर ही प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जीतन राम मांझी ने सीएम नीतीश कुमार पर अपनी भड़ास निकाली, कहा कि विधानसभा में मेरा अपमान किया गया, इन्हें संविधान और जनतंत्र से कोई मतलब नहीं है। हमारे जैसे ऐसी समाज के वरीय नेता को जो उनसे भी बड़े हैं उनके लिए तू तरह की भाषा का प्रयोग करना उनके घमंडी व्यवहार को दर्शाता है। जीतन राम मांझी का अपमान नहीं है, ये बिहार का और देश के दलितों का अपमान है। हम कहते हैं कि आपको बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया है और धोखा देकर आप RJD में गए हैं। अब RJD ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, आप कहां खुद मुख्यमंत्री बने हैं। आप भी तो इसी तरीके से गुलमुल करके पलटू राम बनकर सत्ता में हैं। आज यहां गेट का ताला नहीं खोला गया, विधानसभा में भी बोलने का मौका नहीं दिया गया। छठ पूजा के बाद दिल्ली जाकर राजघाट में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास जाकर प्रार्थना करेंगे कि नीतीश कुमार को सद्बुद्धि दे। जदयू ने बिहार के 40 संगठन जिलों में मनोनीत किए प्रभारी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार में अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए जेडीयू के द्वारा बीते दिन 40 संगठन जिलों के जिला प्रभारियों की सूची जारी की गई है, जिसके तहत पूर्वी चंपारण के लिए प्रदेश महासचिव के रूप में खालिद अनवर का चयन किया गया है, तो वहीं प्रदेश सचिव के रूप में यतेंद्र कश्यप, विशाल साह और बब्बन सिंह कुशवाहा का चयन किया गया है। वहीं इसके अलावा गोपालगंज के लिए प्रदेश महासचिव के रूप में रंजीत सहनी, राजेश्वर चौहान, ब्रजेश कुशवाहा और रतन पटेल का, तो वहीं प्रदेश सचिव के रूप में गुड्डू पटेल का चयन किया गया है। सिवान के लिए
प्रदेश महासचिव के रूप में सत्य प्रकाश को और प्रदेश सचिव के रूप में मुन्ना पटेल, बाल मुकुंद चौहान, नंद किशोर सिंह और दिनेश कुशवाहा का, वैशाली के लिए प्रदेश महासचिव के रूप में हरिओम कुशवाहा, रामेश्वर सहनी और विनोद सिंह को, तो वही प्रदेश सचिव के रूप में सुदेश कुमार मुन्ना और अंजानी पटेल का चयन किया गया। इसी तरह राज्य के अन्य जिलों के लिए भी जेडीयू की ओर से प्रदेश महासचिव और प्रदेश सचिव का चयन कर लिस्ट जारी किया गया है। प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर कसा तंज, कहा बढ़िया काम किया। प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर है। वे लगातार नीतीश कुमार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार ने 3 उद्योग लगा दिए हैं जो फल फूल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार के हजारों बच्चे इसमें अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश कुमार का तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बहुत बढ़िया काम किए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले अवैध शराब, दूसरा बालू माफिया और तीसरा अनाज माफिया, इन 3 उद्योगों का रोजगार बिहार में बढ़ा है और युवाओं को यहाँ रोजगार मिल रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 1830 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। महात्मा गांधी की हत्या के दोषी नाथूराम गोडसे और नारायण दत्तात्रेय आप्टे का 1949 में फांसी दी गई। पाकिस्तान के कराची में वकार यूनुस और सचिन तेंदुलकर ने 1989 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया। झारखंड सन 2000 में भारत का 28वां राज्य बना। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर वाई वेणुगोपाल रेड्डी का 2008 में वैश्विक वित्तीय प्रणाली में सुधार की जांच के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित टास्क फोर्स में शामिल किया गया। योगेंद्र मकबाल ने 2008 में राष्ट्रीय बहुजन कांग्रेस के नाम से कई पार्टी बनाई। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कार्नेलिया सोराबजी का जन्म 1866 में हुआ। भारत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो में से एक ज्योति प्रकाश निराला का जन्म 1986 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म 1986 में हुआ। हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हुआ। पंजाब के प्रसिद्ध आर्य समाजी नेता, समाज सुधारक और शिक्षाविद महात्मा हंसराज का निधन 1938 में हुआ। भारत में विधायक निर्वाचित होने वाले पहले कम्युनिस्ट नेता बंकिम मुखर्जी का निधन 1961 में हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे का निधन 1982 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार आरसी प्रसाद सिंह का निधन 1996 में हुआ। मथुरा के प्रसिद्ध संत जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाने वाले कृपालु महाराज का निधन 2013 में हुआ। हिंदी के सम्मानित कवियों में गिने जाने वाले कुंवर नारायण का निधन 2017 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे पीएम आयुष्मान मित्र रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पीएम आयुष्मान मित्र रोजगार योजना के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि दावा किया जा रहा है कि पीएम आयुष्मान मित्र रोजगार योजना के तहत 1,00,000 पद पर प्रवेश परीक्षा के लिए बिना नियुक्ति होगी। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि यह दावा भ्रामक है, आयुष्मान मित्र एक स्वैच्छिक पहल है। व्हाट्सएप यूजर्स को ऐप यूज करने के लिए देने होंगे पैसे। व्हाट्सएप सर्विस के लिए अब यूजर्स को पैसे देने पड़ सकते हैं। अभी तक व्हाट्सएप सभी यूजर्स के लिए फ्री था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेटा व्हाट्सएप की पॉलिसी में बदलाव करने वाली है, जिसमें कंपनी व्हाट्सएप यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर आने वाली है, जिसमें यूजर्स को व्हाट्सएप यूज करने के लिए पेमेंट ऑप्शन मिलेगा। साथ ही इन यूजर्स को व्हाट्सएप की ओर से कई फैसिलिटी मिलेगी, जिसमें आपको व्हाट्सएप बिना विज्ञापन के यूज करने का मौका मिलेगा। ऐसे फिलहाल आपके लिए चिंता की बात नहीं है लेकिन इतना जरूरी है कि आने वाले दिनों में व्हाट्सएप की तरफ से सब्सक्रिप्शन ऑफर पेश किया जा सकता है। यह ऑफर खासतौर पर उन यूजर्स के लिए होगा जो बिना विज्ञापन व्हाट्सएप चलाना पसंद करते हैं। वैसे भारत में विज्ञापन सर्विस को कब लॉन्च किया जाएगा इसकी जानकारी नहीं है। अगर व्हाट्सएप के नए फीचर की बात करें तो यह इंस्टाग्राम स्टोरीज और फेसबुक स्टोरीज की तरह होगा। मतलब जिस तरह इंस्टाग्राम स्टोरीज और फेसबुक स्टोरीज में एड दिखते हैं ठीक उसी तरह व्हाट्सएप में भी विज्ञापन दिखेंगे। अब टीवी पर नहीं आएगा कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा का पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो पिछले काफी समय से टीवी पर नजर नहीं आ रहा। ऐसे में शो का फैंस के द्वारा काफी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। वहीं अब इसी बीच एक खबर निकलकर सामने आई है कि अब यह शो टीवी पर लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा। दरअसल कपिल शर्मा के द्वारा एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें कपिल अपने नए घर के अंदर आते हैं और पुराना फ्रिज देखते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था कि ना कि नए घर में पुरानी चीज नहीं चाहिए तो ये फ्रिज क्यों। लेकिन जब वे फ्रिज खोलते हैं तो अंदर से अर्चना पूरन सिंह निकलती हैं जिससे सामान टूट जाता है और कपिल जैसे ही वर्कर को डांटते हैं तो पता चलता है कि वह राजीव ठाकुर है। इसके बाद कीकू, शारदा, कृष्णा, अभिषेक भी नजर आते हैं। कपिल की मैनेजर कहती है कि इन्हें निकाल दे तो कपिल कहते हैं कोई बात नहीं, घर नया है तो परिवार तो पुराना है। इसके साथ ही कपिल ने लिखा है कि अब शो को नेटफ्लिक्स में देखेंगे।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उससे जुड़े जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवाल में आपने कितना सही उत्तर दिया, कृपया करके यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में जारी QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए पेकिंग यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी JNU, ऑप्शन सी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेकिंग यूनिवर्सिटी। अगला सवाल, हाल ही में 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय बाल दिवस, ऑप्शन बी गरीबी उन्मूलन दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कानूनी सेवा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय कानूनी सेवा। अगला सवाल, हाल ही में किसको कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का CMD नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अनिल कुमार सिंह, ऑप्शन बी संतोष कुमार झा, ऑप्शन सी पंकज त्रिवेदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संतोष कुमार झा। अगला सवाल, देश का पहला सिटी फॉरेस्ट बिहार के किस जिले में बनाया जाएगा? ऑप्शन ए भागलपुर, ऑप्शन बी मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी समस्तीपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भागलपुर। अगला सवाल, बिहार में कहां पर 20 फीट ऊंचा 5 लाख रुद्राक्ष से बना शिवलिंग स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए समस्तीपुर, ऑप्शन बी मोतिहारी, ऑप्शन सी दरभंगा, ऑप्शन डी भागलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोतिहारी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विवेक मिश्रा, रवि कुमार राम, चंद्रदीप, गोनर शर्मा, अशोक कुमार, विनोद कुमार मांझी, मोहम्मद फहीम, सुमन कुमार गोंड, सीमा कुमारी, राजीव कुमार, बाबूलाल मरांडी, मोहम्मद सकीर हुसैन, प्रियांक कुमारी, पंकज कुमार, राम निवास कुमार, राहुल कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार आज विश्व कप 2023 के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले मैच में किस टीम के जीतने की प्रबल संभावना है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही।